आज ईद का दिन पहना है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि खैरपुर शहर की अगर बात की जाए तो खैरपुर शहर और उसके गेट दवा में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं अपने घर की छत पर मौजूद हूँ। जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है। जैसे ही बारिश शुरू हुई है तो यहाँ पर आपको बताता चलूं कि खैरपुर जो है पूरी दुनिया में आम और खजूर के हवाले से मशहूर है। यहाँ पर गर्मियों में खजूर ज्यादा होती है, जो पूरे मुल्क में खैरपुर शहर को खजूर और आम के हवाले से पहचाना जा सकता है। आज बारिश का सिलसिला 15-20 मिनट से शुरू हो चुका है, जो अभी तक बारिश जारी है। यहाँ पर जो है जैसे ही बारिश शुरू हो गई है तो यहाँ पर आज ईद का दिन था तो लोगों ने बड़ी ईद पर कुर्बानी भी की, अभी जो बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे ही बारिश शुरू हो गई है तो गर्मी का जो जोर था जो हमारे यहाँ खैरपुर शहर और यहाँ पर गेट नवा में जो अजला है उस पर जो सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता था वो 48-50 तक जागा था। आज अभी बारिश शुरू हो गई है तो मौसम खुशगवार हो गया है, गर्मी का जोर छूट गया है। दूसरी जानब जैसे ही बारिश शुरू हो गई है तो खैरपुर और में 20 से ज्यादा जो बिजली के फीडर हैं वो ट्रिप हो गए। यहाँ पर वो बारिश को एंजॉय करने के लिए लोग बाहर घरों से निकल आए। दूसरी जानब मैं आपको बताता चलूँ कि हालिया बारिश थे जो खैरपुर की खजूर है और आम के बागात का मालकान का कहना है कि इस बारिश से हमारी खजूर को बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक मेरे ताजिर से बात हुई, उसने कहा कि अगर ये बारिश एक घंटे तक मुसलसल जारी रहती है तो करोड़ों रुपए के खजूर का नुकसान होगा। जी।